लंबे इंतजार के बाद सनी देओल की बेटी करण देओल की डेब्यू फिल्म पल पल दिल के पास सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। बता दें कि फिल्म का प्रमोशन इन दिनों जोरों से हो रहा है, जिसकी वजह से फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है। वैसे ट्रेलर देखने के बाद बहुत से लोग इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म से न सिर्फ करण देओल डेब्यू कर रहे हैं, बल्कि उनके अपोजिट एक नई एक्ट्रेस सहर बांबा भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रही है। जी हाँ, करण देओल की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब साबित भी हो सकती है। ना सिर्फ इसलिए कि इस फिल्म के साथ तीन और बड़ी फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं, वैसे इस फिल्म के साथ संजय दत्त की प्रस्थानम, सोनम कपूर की द जोया फैक्टर और हॉलीवुड फिल्म रैम्बो लास्ट ब्लड रिलीज हो रही है। पल पल दिल के पास फिल्म इन तीन फिल्मों के बावजूद दर्शकों को थिएटर तक खींचने में सफल साबित हो सकती है या नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इस फिल्म के रिलीज से पहले थिएटर में छिछोरे, ड्रीम गर्ल और सेक्शन 375 फिल्में भी लगी हुई हैं। ये फिल्म सिनेमा घरों में हाउसफुल चल रही है, यानी ये तीनों फिल्में सिनेमा घरों में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर्स इन तीन फिल्मों के कारण पल पल दिल के पास फिल्म को 2 से 3 शो ही देने वाली हैं। उनका मानना है कि दर्शकों को छिछोरे और ड्रीम गर्ल खूब पसंद आ रही है, इस वजह से इन फिल्मों के शो में कमी करना हमारे लिए गलत साबित होगा। वहीं इन तीन फिल्मों की वजह से पल पल दिल के पास को रिलीज होने के लिए लगभग 800 स्क्रीन ही मिले हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी ये डिमांड है कि पल पल दिल के पास अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो इसके सारे शो छिछोरे और ड्रीम गर्ल फिल्म को दे दिए जाएंगे। इस डिमांड के चलते पल पल दिल के पास फिल्म मेकर्स को बड़ा झटका लगा है। वैसे अब देखते हैं फिल्म रिलीज के बाद क्या प्रदर्शन दिखाती है, फिल्म हिट होने में सफल साबित होती है या फिर सुपर फ्लॉप बन जाती है। फिल्मी अड्डा से वैष्णो सोनी की रिपोर्ट।